ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में मैं एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3A, ठीक है, जहाँ पर हमें स्क्वायर रूट्स के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, और कुछ बेसिक जो नॉलेज है ना, जो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है वो भी बता दूंगा साथ ही। और हमेशा की तरह बता दूँ मैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं किसी भी चैप्टर का, जैसे मैंने चैप्टर 5 से लेकर आगे चैप्टर्स का पहली वीडियो बना रखा है, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व सिखाता हूँ। देखो मैं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर रटाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं खुद से समझा दूँ और आप इतने काबिल बन जाओ कि खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ, मेरा एम यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड यूज करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, और फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, और बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। और इसे कैसे फाइंड किया जाता है आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, हमारे पास कितना दिया हुआ है 441। इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब ये है, ये वाला चीज़ आपने हमेशा सीखा है, ये 441 इस तरीके से लिख लो, और इसमें अब ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा लास्ट में तो 1 है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अगले नंबर के पास चलते हैं 3 के पास, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर के कम से कम 10 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं ना वो याद करने पड़ेंगे। जैसे 3 का रूल क्या है कि सभी नंबर्स को आपस में ऐड कीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 448 और 19 आ गया ना, तो 9 जो होता है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर 4 में से 3 कट हुआ बच गया 1, वो आगे चल जाएगा इधर और इसे 14 बना देगा। तो 3 4 जा हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, ये 14 बन गया था, अब ये 12 इसमें से कट हो गया तो बच कितना गया, 2 बच गया, तो 2 आगे जाकर के इस 1 को 21 बना देगा। तो 3 के टेबल में हमारे पास 7 टाइम पे आता है 21, इस तरीके से ये डिवाइड होता है। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो देख देख करके आप सीखते जाओ। उस बाद फिर से चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, तो 7 और 1 8 और 4 12, ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 3 से कर देते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 14 में से 12 कट हुआ बच गया 2, वो आगे जाकर किसे 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27। अब ये देखो हमारा 49 आ गया है, ये किससे डिवाइड होता है, केवल 7 से ही होता है, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी कि जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज किए 441 का, तो वही कितना निकल गया, आप यहाँ पर चाहो तो नीचे में लिख सकते हो कि 441 इक्वल टू 3 3 7 7। तो देखो यहाँ भी पेयर बन रहा है 3 का और यहाँ पेयर बन रहा है 7 का। जब पेयर नहीं बनता है ना तो वो हमारा जो नंबर रहता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता, और जब पेयर बन जाता है इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना ही आपको जानना था, बस यही होगा हमारा आंसर, यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हो। सो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये जो हमारा है एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखा आपने कितना सिंपल था। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बड़ा नंबर अब ले लेता हूँ, सेकंड वाला आपको ट्राई करना, मैं थर्ड वाला बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा हमारे पास बड़ा नंबर है, कितना दिया हुआ है 1000 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये 11000 है और 100 में कुछ नहीं है, 25 है, ठीक है, ये नंबर है, लास्ट में 5 है, ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं। तो 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7 1 8 और 1 9, तो ये 3 से हो रहा है ना। तो देखो अगर छोटे नंबर से हो रहा है तो पहले छोटे नंबर से कर दो, क्योंकि अगर नहीं करते हो आपने तो बाद में छोटे नंबर से करना ही पड़ेगा। जैसे देखो मान लिया 3 से हो रहा है लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया, एग्जाम में जल्दीबाजी में थे आप, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिए, तो उससे भी गलत आंसर नहीं आएगा। देखो मैं 5 से आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ ना, 5 2 जो 10 हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से करना ही पड़ जाता है। 5 2 जो 10 हो गया, बच गया 1, 11 से 10 कट हुआ तो वो आगे जाकर के 0 को भी 10 बना देगा, तो फिर 5 2 जो 10, और हम 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे जैसे डिवाइड में करते हैं उसी तरीके से, और 5 5 जो हो जाएगा 25। फिर ये 5 से हो रहा है, फिर से कर लो 5 से, 5 4 जो हो जाएगा हमारा 20 है ना, उसके बाद फिर इधर गया 2 तो ये बन गया हमारा फिर से 20, तो फिर 5 4 जो 20 और ये अब हमारा 5 1 जो 5 आ गया। तो देखो ये 441 बन गया ना, अभी किसे डिवाइड होगा, ये अब केवल 3 से ही होगा। तो शुरू में अगर आप 3 से करते तो बाद में 5 से करना पड़ता, लेकिन हमने शुरू में 5 से करिए तो अब हमको 3 से करना पड़ रहा है। तो 3 के टेबल हम जानते हैं 147 टाइम पे आता है, इधर हमने पूरा जो इधर आपने बनाया है बस उसी को सेम टू सेम उतार दो, क्योंकि उतना ही आने वाला है। ये हो जाएगा हमारा 49 टाइम पे, फिर ये 7 से हो जाएगा और फिर ये लास्ट में एक 7 से हो जाएगा, यानी कि ये भी जो हमारा है 11025, इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है और 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी पेयर बन गया ना सभी का, 5 का भी बन गया, 3 का भी बन गया और 7 का भी बन गया, यानी कि ये भी जो हमारा है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसे नंबर्स को लेते हैं जो शायद परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि अगला नंबर हम लोग दे लेते हैं 1176 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन में कितना दिया 1176, देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं, यानी फैक्टर इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से ही करेंगे स्टार्ट, 2 10 जो हमारा, सॉरी 2 10 जो बोल रहा हूँ, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 इधर जाके से 17
16 बना देगा, तो 28 जा हो जाएगा हमारा 16, फिर 1 बच गया, वो आगे जाकर इसे 16 फिर से बना देगा, तो फिर 28 जा 16, देन फिर 2 से हो रहा है तो 2 जब तक होता जाएगा करते जाओ, 24 जा हमारा 8 हो गया, 1 बच गया वो आगे जाकर इसे 18 बना देगा, 29 जा 18 और 24 जा 8, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 22 जो हमारा 4 हो रहा है ना, ये 5 है ना यहाँ पर, तो 22 जा 4 हो रहा है, उसके बाद फिर 1 इधर गया तो 29 जा 18 ठीक है, और ये 24 जा 8 ठीक है। अब ये हमारे पास फिर से 2 से हो रहा है, देखो लास्ट में 4 है तो फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से कर दो, 21 जा 2, 24 जा अब 8 होगा यहाँ पर, और 1 बच गया 9 में से 8 कट होने के बाद, वो इधर जाकर इसे 14 बना देगा, तो 27 जा 14। देन आगे चलते हैं इसको, अब ये कितने से कट हो रहा है, 147 आ गया ना, चेक करते हैं ये हमारा 3 से कट हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल ये हमारा 3 से एक बार कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पिछले बार हुआ था तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये 2 बज गया वो आगे जाकर किसे 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27, तो 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7 हो गया। अब देखो इसका फैक्टराइज कितना निकल रहा है हमारा, जो फैक्टर्स निकल रहे हैं 1176 का, वो निकल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई में एक 3 है, फिर मल्टीप्लाई में ये 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में एक और 7, तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, इस वाले 2 का एक भी पेयर नहीं है, इस वाले 3 का एक भी पेयर नहीं है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट फैक्टर नहीं है, तो सो 1176 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, सिंपल एकदम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख करके बस सिंपल तरीके से आपको लिख देना है कि ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, चलिए अभी एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर देता हूँ, जैसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें है, ये हमारा 6 नंबर का मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मैं 6 सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जो बच गए एक दो क्वेश्चन उन्हें आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, 9075 ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा इतना ना, तो आप इससे कोई भी नंबर दे दूँ, बाहर से भी दे दूँ तो भी आप बना लोगे, 5 दिख रहा है लास्ट में, हम सीधे 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 5 4 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 बज गया वो आगे जाकर किसे 40 बना देगा, तो 5 8 जो हो गया 40, फिर से ये हो जाएगा 5 1 जा 5 ठीक है, 2 बज गया 2 आगे जाकर इसे 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से हो रहा है, फिर से कर लेते हैं 5 के टेबल में, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 बज गया यहाँ से वो आगे जाकर इसे 31 बना देगा, तो 5 6 जा 30, यहाँ पर 31 में से 30 कट हुआ, 1 बज गया वो आगे जाकर इसे 15 बना देगा, तो 5 3 जा 15। अभी किससे कट हो रहा है हमारा, देखो अब 3 से हो रहा है ना, तो हो सकता था ये शुरू में भी 3 से हो ही रहा होगा, लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए भी दोबारा हमको करना ही पड़ रहा है, तो 3 से कर देते हैं, ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब ये किससे हो रहा है, 121, ये अब 3 से नहीं हो रहा, ध्यान दो 1 और 2 3 और 1 4 होता है, तो 4 3 के टेबल में नहीं आता ना, ये 3 से नहीं होगा, ये अब डायरेक्ट हमारा 11 से ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा है ना 121 ये 11 का ही स्क्वायर है, 11 के टेबल में ही आता है केवल, तो ये हो जाएगा हमारा 11 11 जा 121 और लास्ट में 11 1 जा 11, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा, देखो अब इसका जो फैक्टर बना 9075 का, वो कितना बन गया, 5 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये 5 का पेयर है, 11 का पेयर है, लेकिन 3 का जो है पेयर यहाँ पर हमारे पास नहीं बन रहा है, इसलिए भी हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बस इतना ही आपको करना है इसमें, और कुछ इसमें नहीं बताना था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर साफ साफ कह दे रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हमको शो करना है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर फाइंड नहीं करना कि परफेक्ट है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे नंबर्स इसमें परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं। उसके अलावा बोल रहा है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, और ये भी बताना है कि ये जो है ना ये किसका स्क्वायर है, पहले तो ये भी शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद ये किसका स्क्वायर है ये बताना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर ऊपर में कर रहे थे, यानी कि जो हमारा मेथड था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम जैसे फाइंड कर रहे थे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है, इसका फैक्टर फाइंड कर लेना है और बता देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 से शुरू कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, बच जाएगा 2, आगे जाकर इसे 22 बना दिया, तो 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया आगे जाकर इसे 25 बना दिया, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पर से 4 बच जाएगा, 4 आगे चल करके देखो ये 24 था, तो 5 4 जा मैंने 20 ले लिया, बच गया 4, वो आगे जाकर इसे 45 बना देगा, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45। अभी हमारा 7 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49 और फिर एक बार 7 1 7, तो इसका जो हमारा फैक्टर निकल गया वो कितना निकल गया 1225 का, वो हो गया 5 5 7 7, ठीक है, पेयर बन गया खींचा इसका 5 का और 7 का, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अब ये किसका स्क्वायर है ये बताना है, तो देखो किसका स्क्वायर ये बताने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 5 बन रहा है और यहाँ भी 7 बन रहा है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो अब सिंपली आप क्या करो, इन स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर हो जाएगा बाहर, ठीक है, यानी कि जो बाहर स्क्वायर रहता है वो दोनों का रहता है, तो हमने क्या किया दोनों के स्क्वायर को एक साथ बाहर लिख लिया है। तो अब ये 5 समझे कितना होता है, 35 होता है, तो यानी कि ये जो हमारा नंबर है ना 1225 वो किसका स्क्वायर है, वो 35 का स्क्वायर है। आपको चाहो तो लिख भी सकते हो स्टेटमेंट लास्ट में, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो भी आपका काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अब आप चाहो तो इसको निकाल के भी देख सकते हो मोबाइल से या फिर कैलकुलेट करके देख लो कि 35 मल्टीप्लाई 35 आपका इतना आता है कि नहीं आता है, अगर इतना नहीं आ रहा तो इसमें तो आपका आंसर कुछ ना कुछ गलत है।
35 का स्क्वायर का मतलब ही यही है कि अगर आप 35 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो आपका जो आंसर है ना वो 1225 आना चाहिए, ठीक है। और ये आ गया ही आएगा क्योंकि हमने पूरे स्टेप सही किया है। तो ये होता है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी कि पहले आपको बताना है कि ये पेयर बन रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये 35 का स्क्वायर है, ये बस इसमें अलग था, ठीक है। आइए कुछ और बड़े नंबर लेते हैं, बड़े नंबर तो नहीं सभी यहाँ पर 4 डिजिट के ही हैं, चलो जीरो वाला ले लेता हूँ क्योंकि कई बच्चों को जीरो वाले में दिक्कत होता है ना। तो सेकेंड नंबर में हमारे पास जीरो वाला है, कौन सा नंबर है, 2601, ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फैक्टराइज़ कर लेते हैं इसको भी इसी तरीके से। ये हो जाएगा 2601, अगर मैं इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, और इसको आप फाइंड करते हैं। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है चेक कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट में 1 है तो 2 से तो होगा नहीं, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से होगा, तो 3 से करना शुरू करते हैं। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 डिजिट ले लेते हैं एक साथ, 3 के टेबल में हमारा 26 भी नहीं आएगा, लेकिन 3 8 जो 24 होता है, 24 कट हो गया, बच गया 2, यहाँ पर से 2 आगे जाकर के इसे 20 बना देगा, तो 3 6 18 हो जाएगा, 20 में से 18 कट हुआ, बच गया 2, वो आगे जाकर के इसे 21 बना देगा, तो 3 7 जो 21, ठीक है। आगे आप चेक करते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है, आई होप 3 से हो ही रहा होगा क्योंकि अब 3 का ही स्क्वायर है ना, तो 3 से जरूर हो रहा होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे चेक करने का रूल क्या है, सभी नंबर्स को ऐड करो और 3 के टेबल में वो आना चाहिए, तो 8 और 6 हमारे कितना होता है 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 3 के टेबल में आता है ना, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जो देखो 6 हो गया, 2 बज गया, वो आगे जाकर इसे 26 बना देगा, तो 3 8 जो 24, यहाँ पर से 2 बज गया फिर से, वो आगे जाकर इसे 27 बना देगा, तो 3 9 जो 27, देखा 3 से हो गया ना कटना। अब फिर आगे चलते हैं देखते हैं किससे कट हो रहा है, फिर ये 3 से साफ साफ कट हो रहा है, नहीं 3 से कहाँ कट हो रहा है, ये हमारा 8 और 9 होता है हमारा इसके पास 17 और 2 हो जाएगा 19, तो ये तो 3 से हो नहीं रहा है। अब देखते हैं किस नंबर से हो रहा है ये कट, ये 4 से भी हमारा नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमारा 289 डिवाइड हो। तो इसको जानने के लिए आप क्या करो, सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप 2 से लेकर के 20 तक के, कम से कम 20, वैसे तो आगे चलकर आपको 30 तक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप 2 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि उस वहाँ तक जो स्क्वायर है ना बहुत ज़्यादा काम आता है, और इस चैप्टर में तो आपका काम आएगा ही आएगा। बाकी क्लास 6 मैंने जैसे आगे एक चैप्टर भी बनाया अभी ना, 15 तक बना दिया मैंने शायद, 12 तक सॉरी, तो वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा ये काम आया था। तो ये वाला आप हमेशा याद रखना कि 2 से लेकर के 2 का स्क्वायर जैसे 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वैसे करके आप 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि ये जो हमारा 289 है ये किसका स्क्वायर पता है, ये 17 का स्क्वायर है, ये किसी के टेबल में आपको नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट हमारे 17 से डिवाइड होता है, 17 17 जो हमारा 289 होता है, और उसके बाद फिर लास्ट में 17 1 जो 17 हो जाएगा, यानी कि अब ये हमारा किसका, इसका जो हम फैक्टर लिखेंगे 2601 का, वो कितना हो जाएगा 3 3 17 17 इस तरीके से। तो ये हमारा किस चीज़ का बन गया, ये हमारा पेयर बन गया ना, ये देखो 3 का पेयर बन गया और 17 का पेयर बन गया, यानी कि हमारा एक फैक्टर है ये, है ना, फैक्टर बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 17 17 यानी कि 17 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारा 3 17 और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, बस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 3 जा हमारा कितना होता है 17 3 जा 51, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 51 और ये इसका स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा नंबर है 2601 ये हमारे 51 का स्क्वायर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक नंबर और मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाला मैंने ले लिया, एक बड़ा नंबर 8281 लास्ट का जो हमारा 5th नंबर है उसे ले लेता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, उसे आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमारे पास 82 है और 81 है, चलिए इसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 82 81 का कितना होता है भैया, तो ये हमारा 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 8 18 और ये 119, यानी कि ये तो हमारा 3 से हो ही नहीं रहा है, ये किससे हो रहा है चेक करते हैं। तो ये हमारा 3 से नहीं हो रहा है, तो लास्ट में 1 है ना, हो सकता है ये 11 से हो रहा हो, 11 से चेक करते हैं, 11 के टेबल में हमारा 77 हो जाएगा, बच जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑड और इवन के प्लेस वाला भी रूल यूज़ कर सकते हो, बाकी हम चेक कर ले रहे हैं डायरेक्ट इसको। 11 के टेबल में 11 7 जो 71 हो गया, 5 बच गया, तो ये बन जाएगा हमारा 50 नहीं होने वाला, ये 11 से भी हमारा डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आता है, तो 3 में आता है एक तो, है ना, 3 7 जब 7 3 जब भी होता है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जो 7 हो जाएगा हमारा, 1 चल जाएगा इधर, तो ये 12 बन जाएगा, तो फिर 7 1 जो 7 5 इधर गया, तो ये हमारा बन गया 58, हाँ फिर ये 21, हाँ ये 7 से हमारा डिवाइड हो जा रहा है, ये 7 से करते हैं, देखो 7 1 जो 7 हो जाएगा, ठीक है, बच गया यहाँ से कितना 1 बच गया, वो आगे चल करके इसे 12 बना देगा, तो फिर 7 1 जो हमारा 7 हो जाएगा, 12 में से 7 कट हुआ, बच गया 5, वो आगे चल कर इसे 58 बना देगा, तो 7 8 जो 56 होता है हमारा, तो 58 में से 56 कट हो गया, बच गया 2, वो आगे जाकर इसे 21 बना देगा, तो 7 3 जो 21। तो आपको इसी तरीके से माइंड लगाना, एग्जाम में बैठे हुए हो आप, तो आप दिमाग लगाओ कि लास्ट में अगर 1 है तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके लास्ट में 1 आता है। तो अभी हम लोग 7 के अलावा फिर 9 के टेबल में भी आता है, 9 9 81 होता है ना, तो हम लोग 7 से नहीं होता तो फिर हम लोग 9 से चेक करते हैं, जैसे 3 से नहीं होता तो 9 से भी नहीं होता ये, तो हम लोग 7 से कर लेते हैं, ठीक है। आगे अब चेक करते हैं ये अब किससे डिवाइड हो रहा है, एक बार 7 से हुआ तो आगे भी 7 से जरूर होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 से ही चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7 1 जो 7, बच गया 4, ठीक है, 4 इधर जाकर किसे कितना बना देगा 48 बना देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 6 जो 42, ठीक है।
अब यहाँ पर जब 48 से 42 कट हो गया तो बच गया कितना, 6 बच गया, 6 आगे जाकर इसे 63 बना देगा, तो 79 जो हमारा हो जाता है 63। अब देखो ये 169 आ गया ना, अब फिर से आप इसमें कन्फ्यूज हो गए कि 169 किससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये ना 3 से होता है ना 4 से होता है, किसी से नहीं होता है। अगर आपको स्क्वायर याद रहेंगे तब आपको पता रहेगा कि ये जो हमारा है 13 से डिवाइड होता है डायरेक्ट, 13 जो हमारा 169 होता है, और फिर 13 जो हमारा 13 हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप 20 तक के स्क्वायर जो है ये याद कर लो। तो इसका जो फैक्टर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 7 × 7 = 13 × 13, तो हो जाएगा 7² × 13² यहाँ से आप स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 7 × 13² हो जाएगा, तो 7 × 13 = 7 कितना होता है हमारा 91, तो हो जाएगा हमारा 91² यानी कि 91² ही हमारा 8281 है, यानी कि 8281 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 और 2 कैसे सॉल्व करना है, बेसिक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे के भी क्वेश्चन इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा दूंगा, ठीक है। उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बार बार सर्च करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।